या आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जैकेट अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ हरियाणा में और आज को मेरा प्लान है हरियाणा से और देहरादून जाने का। हरियाणा में ये सिटी है जगाधरी सिटी, यमुनानगर जगाधरी को सुना होगा आपने। और मेरे साथ मेरा प्लेन राइडर है ऋषभ, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा जब मैं देहरादून से और हरियाणा आया था, उस टाइम देहरादून से मेरे साथ ही आया था। और साथ ही में हम लोग वापस जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ, तो ट्रैफिक लगता रहता है। एंड गाइस अभी ना दिन के 1 बजी है, हम रेडी तो सुबह हो गए थे पर सुबह ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर था और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम थोड़ा लेट निकले हैं। और गाइस यहाँ पे ना लोगों के रिएक्शन मिल रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े। और गाइस यहाँ पे ना या तो लोगों के पास बुलेट होती है या तो फिर स्प्लेंडर होती है, इससे आगे कोई तीसरी बाइक नहीं दिखती यहाँ पे ज़्यादा, बुलेट और स्प्लेंडर बस। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे पीछे देख रही है, क्या बात हो गई। ओ भाई रिएक्शन दे रही है, भाई रिएक्शन दे रही है राइट वाले मिरर से ना, बस देख ही जा रही है। वो देखो नोट किया आप लोगों ने, कहाँ गई। अबे पीछे तो देख नहीं रही कहाँ गई, और ना मिरर भी नहीं है ना तो मैं पीछे भी नहीं देख पा रहा हूँ, यही लॉस होता है यार, मिरर लगाऊंगा अब मैं। ओ भाई पीछे ही आ रही है जस्ट, ये देखो क्या बात है। और अब ये ना मिरर में पीछे देखे ना तो एक बार हाई करूँगा, देखते हैं। हाई, ओ भाई हाई हाई किया, इसने हाई किया। ओ यार ये कितनी ऑसम है यार। अब बात करनी पड़ेगी, शायद मैंने गलत तो नहीं देखा कहीं, एक बार फिर से हाई करता हूँ। हाई, ओ हो देख रहा तू, समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कुछ नहीं तो पीछे बैठा रहे भाई, आज तो लग रहा है कुछ बात तो बनेगी। हेलो या देहरादून से, देहरादून आप कहाँ से हो? यही जगाधरी यमुनानगर, यमुनानगर या जगाधरी? अच्छा जगाधरी से हो, हाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं इसको यूट्यूब पे डालूँ? ओके प्रॉपर, मेरा कैमरा ऑन ही रहता ना तो जितना शूट किया होगा उतना। आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जैकेट अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? आकाश। वैसे इंस्टा हैंडल इधर लिखा हुआ है, फॉलो कर सकते हो आप। ओके वेट करूंगा आपके रिक्वेस्ट का। ओके अभी कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा पास में, ओके आओ कभी देहरादून मसूरी घूमना होगी तो बताना। ठीक है, वैसे मेरी फ्रेंड रहती है तो मैं जरूर आऊंगी। आपकी फ्रेंड रहती है देहरादून में? कौन सी जगह? जगह तो नहीं पता पर रहती जरूर है। आप ना दोबारा कब आओगी? हाँ दोबारा कब आओगी? दोबारा तो पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट मंथ मे बी, यस नेक्स्ट मंथ मे बी, कन्फर्म नहीं है बट क्या पता। हाँ चैनल का नाम वही है, यूट्यूब पे भी वही नाम है, इंस्टा पे भी वही नाम है। हाँ मुझे तो सीधे जाना है, आप कहाँ जाओगे? राइट लेफ्ट? ओके चलो ठीक है, ओके नाइस टू मीट यू। सुंदर कन्या गई, अरे खुल जा भाई जल्दी चलना है। खुल गया। और गाइस यहाँ पे ना इतने सारे ट्रक चल रहे हैं क्योंकि मेन हाईवे है ना इसलिए। अरे सु वो फॉलो करेगी नहीं करेगी? है करेगी। अबे नाम पूछा हमने उसका?
अबे यार नाम तो पूछा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कौन है? फॉलो रिक्वेस्ट तो आती रहती है, पता कैसे चलेगा कौन है? तो शक्ल कहाँ देखी, मास्क लगा रखा था उसने तो। वापस चले हैं? अरे वापस कहाँ मिलेगी अब, नाम पूछने वापस कहाँ जाएंगे यार? ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। अबे यार गाइस नाम पूछो तो भूल ही गए, चलो देखते हैं कुछ तो हिंट मिलेगा। क्यों एक काम करेंगे, वो देखेंगे ना लोकेशन तो डाली रखेंगे कहाँ की है, जैसे हम लोग डालते हैं UK 07 या फिर देहरादून या फिर उत्तराखंड, वो भी तो डालेगी कुछ, हरियाणा जगाधरी यमुनानगर कुछ तो डालेगी। हाँ हो सकता है तब पहचान लेंगे, हाँ क्या पता मिल ही जाएगी। चलिए यार एक सब्सक्राइबर ना मेरा हरियाणा से भी बन गया, सही यार ऐसे धीरे धीरे ना काफ़ी सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और गाइस आगे देखो ट्रकों की रेस लग रही है, ये देख रहे हो ये वाला लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है और वो जाने नहीं दे रहा है। ओ भाई ओ भाई कितना क्लोज है इसके, ओ भयंकर, ये देख रहे हो क्या क्लोज ओवरटेक लिया यार इसने, बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं ट्रक वाले ना। और अभी ना उधर मेन जगाधरी यमुनानगर में फॉग नहीं था और यहाँ से अभी फॉगी वेदर स्टार्ट हो गया, यहाँ से पौटा साहिब तक तो पूरा फॉगी वेदर होगा और बीच में जंगल पड़ता है कलेसर का जंगल, वहाँ पे तो भाई तगड़ा ठंडा भी होता है और फॉग भी अलग ही लगता है, और सुबह के टाइम पे ना 10 मीटर भी नहीं दिखता आगे। और गाइस यहाँ पे एक कैफ़े है चौपाल कैफ़े, तो यहाँ पे जाके थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। चल चौपाल कैफे, फूडीज चौपाल, फील द टेस्ट। कहाँ अंदर बैठेगा बाहर? बाहर यहीं पे उधर आ जा। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है 2 चाय और पराठा, कैसे हो रहा है? बहुत मस्त, बोला था ना मैंने बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। और अभी ना यहाँ पे मोमोज नहीं था, मोमोज भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। आधे घंटे बाद, हाँ आधे घंटे बाद आएगी, 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ता है, बट बहुत अच्छा बनाता है। तो गाइस अभी लंच भी कर लिया है, चाय और परांठे खाए हम लोगों ने, गोभी आलू मिक्स परांठे थे और बहुत टेस्टी परांठे थे। और इस प्लेस की ना लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने रोड है मेन हाईवे, और मेन हाईवे के जस्ट बगल में ये देखो। तो अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं देहरादून की तरफ, और वहाँ पे हम लगभग ना 45 मिनट रुके हैं, और अभी बीच में कहीं पे नहीं रुकेंगे, सीधे जाएंगे देहरादून आसन बैराज से, वहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करने के लिए रुक सकते हैं, बाकी तो कहीं पे नहीं रुकना है। पौटा से पहले कुछ है नहीं ऐसा, पौटा के बाद ही है थोड़ा सा आसन बैराज। अरे ये स्प्लेंडर वाले को क्या हो गया भाई, हॉर्न पे हॉर्न मारा जा रहा है। ये आ गया पौटा साहिब चौक, यहाँ से हम लोगों को राइट लेना है, पौटा कर दिया पार, और यह है यमुना पुल। और अच्छा सा मौसम हुआ है, और लग रहा है थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश आई होगी यार, कितनी फैली हुई है ना नदी, और बरसात में ही नदी ना बहुत ज़्यादा फैली हुई दिखती है और पूरे ऊपर तक आता है पानी, अभी तो बहुत कम कम से दिख रही है पर बहुत फैली हुई है। और ये अपनी आसन बैराज झील बहुत ही प्यारी, और उधर साइड बोटिंग हो रही है, सही लग रही ना आज सही लग रही ना। बोटिंग दिखाना है आप, बोटिंग क्या दिखाने, छोड़ना वो देख, बत्तख बत्तख बत्तख। वेलकम टू उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ये मार्केट है गाइस हरबतपुर का, हरबतपुर इसके बाद सहसपुर, फिर सैला कुई, फिर अपने घर, 3-4 मार्केट पड़ते हैं, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इन मार्केट में। पैर दर्द हो गए क्या तेरे? लंबा रूट है ना, लंबे रूट में यार पैर दर्द हो ही जाता है। चलो मुझे लगा था कि अभी भीड़ होगी यहाँ पे, बट है नहीं इतनी भीड़। गाइस अभी ना जो मेरी बाइक का लेग गार्ड है ये लेफ्ट साइड वाला, तो इसका पेंच निकल गया, तो अभी आवाज़ कर रहा है कट 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 की आवाज़ कर रहा है, पता नहीं कब पेंच निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, उधर हाईवे पे तो नहीं पता चला, बट अभी यहाँ पे हल्के हल्के गाड़ी चला रहा हूँ तो तब फील हो। और गाइस गोप्रो की बैटरी हो चुकी है ख़त्म, दूसरी बैटरी लगाई वो भी चार्ज नहीं है, 10% ही चार्ज है, तो अभी इस ब्लॉक का एंड भी यहीं पे करना पड़ेगा। और अभी घर थोड़े ही पास में, 2-3 किलोमीटर बाद मेरा घर है। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, हमारा हरियाणा से और देहरादून की राइड आपको अच्छी लगी, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट राइड में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।